तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कूलर में रेगुलेटर कैसे फिट किया जाता है और उसका वायरिंग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उसका वायरिंग होता है, इसके बारे में पूरे विस्तार से आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर आप इसी तरह के इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसमें रेगुलेटर फिट करना है। तो इसका रेगुलेटर कैसे फिट किया जाता है और इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम इस वायर को इस होल की मदद से इस बाहर निकाल लेते हैं और ये वाला वायर दोस्तों जो एसी सप्लाई, यहाँ से करेंट सप्लाई दी जाती है, उसको भी हम इस होल से बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसका वाटर पम्प है, इसका वायर को भी हम इस होल से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है इसका, आप देख सकते हैं ये वाला इसका वाटर पंप का वायर है। और दोस्तों आप यह देख सकते हैं इसमें दो वायर जो ब्लू कलर का है, यह इसका मोटर का वायर है। और दोस्तों ये वाला वायर जो आप देख रहे हैं यह एसी सप्लाई के लिए है, करेंट सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक वायर, आप देख सकते हैं ये था इसका मोटर का वायर है, जिसमें का कोई भी एक वायर आप लेना है, ये हमने एक वायर ले लिया। उसके बाद दोस्तों इस, आप देख सकते हैं यह वाटर पंप का वायर है, इसमें का कोई भी एक वायर लेना है, उसको ऐसे आपस में जोड़ देना है। तो दोस्तों हमने एक वायर इसका मोटर का लिया और दूसरा वायर दोस्तों हमने इसका जो वाटर पंप है उसका एक वायर लिया, कोई भी वायर। उसके बाद दोस्तों हम यह करेंट सप्लाई के लिए जो वायर आए हैं, इसमें का एक वायर हम कोई भी वायर एक वायर लेंगे और इस तीनों वायर को दोस्तों एक साथ ऐसे मोड़ देना है, यानी कि दोस्तों एक साथ इन तीनों वायर को आपस में जोड़ देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इस तरह से इसका पहला स्टेप पूरा करना है। तो दोस्तों हमने एक वायर मोटर का लिया, एक वायर वाटर पंप का लिया और एक वायर इसका करेंट सप्लाई जो होता है एसी का लिया। तो दोस्तों हमने टोटल तीन वायर लिए हैं और आपस में जोड़ दिए हैं और इसका एक सेट बना लिया। उसके बाद दोस्तों यह जो हम सेट बनाए हैं उसको सबसे पहले हम इस इंडिकेटर है उस पर एक साइड इसे जोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसमें इंडिकेटर का जो एक साइड है, एक पॉइंट है, वहाँ पर हम इसे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो तीन वायर आपस में जोड़े थे उसको इसके इंडिकेटर के एक पॉइंट पे इसे जोड़ दिया। तो उसके बाद दोस्तों हम इसमें रेगुलेटर को वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें दो पॉइंट दिया गया है। दोस्तों यह सीरीज में होता है इसका जो वायर होता है। तो दोस्तों हम इसका जिस रेगुलेटर का एक वायर, हम इस जो फैन का एक वायर बचा हुआ है, एक वायर हमने जोड़ दिया है पहले से, और जो दूसरा वायर है दोस्तों इसका जो मोटर का, उसका एक वायर हम इस रेगुलेटर पे जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने रेगुलेटर का एक वायर हम इसके जो मोटर है उस वाले वायर पे जोड़ लिया है। तो उसके बाद दोस्तों हमें एक अलग सा वायर लेना होगा छोटा सा, जिसको हम सीरीज में जोड़ेंगे स्विच और इसका जो रेगुलेटर है उसके लिए। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से छोटा सा वायर लेना है और दोस्तों उस वायर को हम जो एसी का करेंट सप्लाई के लिए एक वायर बचा है उसको इस पर ऐसे जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने एसी वाले वायर पे यहाँ पर करेंट सप्लाई के लिए एक वायर जोड़ दिया और इस वायर को दोस्तों आपको इसका जो इंडिकेटर है उसके दूसरे पॉइंट पर जोड़ना है। दोस्तों हमने पहले यहाँ पर तीन वायर का सेट जोड़े हैं, वो फेज हो गया और न्यूट्रल के लिए दोस्तों इसमें हम एसी का जो एक वायर है करेंट सप्लाई के लिए उसके साथ एक छोटा सा वायर लगाकर यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट इस प्रकार से ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों इस वाली वायर को हम यहाँ से, दोस्तों ये वाला दोस्तों फेज हो गया इंडिकेटर में और ये वाला न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों यहाँ से फेज के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, एक मोटर में और एक वाटर पम्प में, ऑलरेडी वहाँ पर फेज चला जाएगा दोस्तों। अब हमें न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल देने के दोस्तों हमें वाटर पम्प के लिए स्विच का इस्तेमाल करेंगे और जो फैन का जो मोटर है उसके लिए हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो न्यूट्रल के लिए वायर जोड़े हैं एक्स्ट्रा वायर, उसको हम उसका एक वायर और इस रेगुलेटर का एक वायर दोस्तों हम आपस में जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल दिए हमें इंडिकेटर में और इस न्यूट्रल यहाँ से सीरीज में आएगा
और यहाँ से दोस्तों इस रेगुलेटर से होते हुए फैन में चला हो जाएगा और आपका कंट्रोल इस रेगुलेटर से होता रहेगा। तो दोस्तों इस वाले न्यूट्रल को हम इस स्विच में जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर स्विच पर न्यूट्रल देना है। तो आप देख सकते दोस्तों यहाँ से न्यूट्रल यहाँ सीरीज में जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल दोस्तों इस स्विच के जरिए वाटर पंप में जाएगा और यहाँ से जो न्यूट्रल दोस्तों इस रेगुलेटर पर जाएगा और यहाँ से होते हुए मोटर पर जाएगा। इस प्रकार इसका वायरिंग करना है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों हम इस वाटर पंप का एक वायर है इसको हम इस स्विच पर जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम इस वायर को यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। ये होगा दोस्तों हमारा वायरिंग कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।